बात। इस सामने जो बैठे हैं धूप में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, सादर प्रणाम। यहाँ धमकीदार बहुत हैं, धमकियाँ बहुत देते हैं, ना रोड बनवाएंगे, ना नल लगवाएंगे, ना नहर साफ कराएंगे, और नहर साफ कराएंगे सिर्फ एक जात के लोग। और जो यहाँ के छोटे वाले विधायक हैं उनके खुद नहीं चलती, उनका खुद का बस्ता रखा रहता है रेलवे स्टेशन पे, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। और माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव की कृपा न होती तो आज ये जेल में होते हरामखोर। जब धमकाते हैं ना, जो धमकाते हैं गुंडा बन के टहल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को दौड़ा रहे हैं, अगर आपने काम किया होता, आपने विकास किया होता, आपको ये दिन न देखना पड़ता कि आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे गली गली भटक रहे हैं। बनते हो राजा, अगर आप राजा हो तो आराम से महल में बैठो, जनता को सुकून से रहने दो, जनता का भी खा जाते हो, कोटेदार का भी खा जाते हो, कोटेदार से लेके गेहूँ कहेंगे हम कन्याओं की शादी करा रहे हैं, कहते हैं हम बच्चियों की शादी कराते हैं, वो एक संस्था है, संस्था के तहत कराते हैं, पैसा आता है उसमें, वो ट्रस्ट है, तो कोई एहसान नहीं करते हैं, कहेंगे कि प्रधान जी 51,000 तोरे जिम्मे, प्रधान जी 51,000 तोरे जिम्मे, तू तो काफी बार प्रधान है, तोरे जिम्मे 1,00,000। कोटेदार अब तो खैर चीनी बंद हुई है, नहीं कहिए तोरे जिम्मे 2 क्विंटल चीनी और 5 बोरा गेहूं, डिग्री कॉलेज भिजवावा, अगर उन बच जाए उनका भेज नहीं है, हर जगह कमाई। रोड पे चल नहीं सकते आप, माननीय नेताजी की कृपा है कि आज आप सबके बीच में वो दिख रहे हैं, नहीं होते वो नैनी जेल में सड़ रहे होते, सजा याप्ती होते जो धमकी दे रहे हैं। और ये है करतार, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, कहेंगे और देंगे और वोट नहीं देंगे। निर्दलीय थे, एहसान तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, मंत्री बना दिए, उसमें भी गेहूं खा गए, उसकी भी जांच चल रही है, पता होगा आप लोगों को, काफी दिन चर्चा में रहा, टीवी पे आया, पेपर में आया, तो आप राजा महाराजा हो आराम से।